हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जुलाई की फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किस भारतीय ने भारत द डायना अवार्ड 2020 जीता है? किस भारतीय ने डायना अवार्ड जीता है? और वो जीता है फ्रिया ठकराल ने। अब पहले इसकी डिटेल देखते हैं। फ्रिया ठकराल ये 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है, ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। अब इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है? इन्होंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है रीसाइकिल ऐप। इस ऐप के जरिए जो यूजर्स हैं और जो हमारे वेस्ट हैंडलर्स हैं उन दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि उनकी हेल्प कर पाएगी। डायना अवार्ड ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है सोशल वर्क्स के लिए, और ये हमेशा जुलाई की पहली तारीख यानी 1 जुलाई को हमेशा ये दिया जाता है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। फ्री में ऐप बना के दी, फ्री में ऐप बना के दी, फ्री से बनेगा फ्री है ठकराल का नाम। फ्री का जो री है उससे क्या बनेगा? जो इन्होंने ऐप बनाई है यानी कि रीसाइकिल ऐप, और बना के दी यानी कि इनको डायना अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कौन वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय बने हैं, यानी कि फर्स्ट इंडियन बने हैं? Who became the first Indian to make top 3 in the virtual race across America VRAAM 2020? और इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। ये है कौन? ये हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। अब ये क्या आए हैं? थर्ड आए हैं। थर्ड आए हैं कैसे? ये आए हैं, इन्होंने 4086 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 12 दिनों के अंदर अमंग 17 पार्टिसिपेंट्स। और जो रेस थी ये ओवरऑल रेस थी 5000 किलोमीटर की, जो 12 दिन के अंदर कवर करनी थी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। भारत वर्चुअली थर्ड नंबर पर है, यानी कि वर्चुअल जो रेस हुई है उसके अंदर भारत पन्नू थर्ड पोजीशन पर आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया है, सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त परीक्षण हेतु किस सोशल मीडिया ऐप से साझेदारी की है? और वो किस ऐप से की है उन्होंने? फेसबुक के साथ। इसके जरिए होगा क्या? जो हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सीबीएसई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। सीबीएसई के जो हेड हैं उनका नाम है मनोज आहूजा। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। एफबी पे सीबीएसई वाले भी आजकल प्रमोशन कर रहे हैं, यानी कि सीबीएसई ने फेसबुक के साथ टाइप किया है ताकि टीचर्स और स्टूडेंट को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन ट्री प्लांटेशन 2020 कैंपेन, और वो शुरू किया है हमारी यूपी सरकार ने। यूपी के हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। यूपी की हमारी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिसको एडिशनल चार्ज दिया गया था। अभी किसी स्टेट का बता सकते हो? वो दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार के लिए, कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उनका देहांत हो चुका है, और आनंदीबेन पटेल को वहां का एडिशनल चार्ज दिया गया था। अब जो मिशन ट्री प्लांटेशन 2020 कैंपेन है, इसके लिए इन्होंने जिसको ऑफिसर इंचार्ज चुना है वो ग्रेटर नोएडा के सीईओ हैं, जिनका नाम है नरेंद्र भूषण। और ये कैंपेन शुरू कहाँ किया गया? ये कैंपेन शुरू किया गया गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। यू ट्री लगाओ, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्री प्लांटेशन कैंपेन 2020 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बोध परिसंघ द्वारा किस दिन को धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाया है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज धर्म चक्र डे और धर्मा चक्र डे बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन IBC, और वो तारीख है 4 जुलाई को। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। चार धर्मी थे, यानी कि 4 जुलाई को धर्म चक्र डे मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है?
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्लांट सैपलिंग सेव एनवायरनमेंट कैंपेन, और वो कौन सी सरकार ने किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी। ये कैंपेन 17 दिन का कैंपेन है जो 10 जुलाई से शुरू हुआ है। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि हम 31 लाख प्लांट्स लगाएंगे ताकि हम पॉल्यूशन को कम कर सके, टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। प्लांट से पॉल्यूशन कम करो दिल्ली में, यानी कि प्लांट सैपलिंग सेव एनवायरनमेंट कैंपेन दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई लर्निंग पोर्टल लीड। कौन सी सरकार है जिसने ई लर्निंग पोर्टल लीड शुरू किया है? और वो भी है हमारी दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के डिप्टी सीएम की मैं बात कर चुकी हूँ। अब ई लर्निंग पोर्टल लीड की फुल फॉर्म क्या है? लीड की फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड असेसिबल फॉर दिल्ली। यानी कि इस पोर्टल के थ्रू जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन, शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं, लीडिंग है। दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं, लीडिंग है, यानी कि दिल्ली सरकार ने लीड नाम का पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमसे बोला जा रहा है किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च बलराम योजना टू गिव क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स। कौन सी ऐसी सरकार है? वो है ओडिशा सरकार। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक जी। ओडिशा के राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। ओडिशा में एक स्टेडियम है जो नवीन पटनायक के फादर के नेम पर है। क्या नाम है उसका? बीजू पटनायक स्टेडियम। अब इस बलराम योजना से क्या, इसके अंडर क्या है? जिन फार्मर्स के पास लैंड नहीं है उनको लोन प्रोवाइड करेंगे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आराम से उड़ो अब फार्मर्स तुम। यानी कि आराम से बनेगा बलराम योजना, उड़ो से बनेगा ओडिशा सरकार, और फार्मर्स के लिए जो योजना है ये ओडिशा सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जीन कास्टेक किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए इनको नियुक्त किया गया है? रिसेंटली जीन कास्टेक हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। और ये कहाँ के बने हैं? फ्रांस के। हमने कल ये पॉइंट किया था हमारे लास्ट सेशन के अंदर। फ्रांस के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या था? एडवर्ड फिलिप, जिन्होंने रिजाइन दिया है, जिसके बाद से जीन कास्टेक जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। इसकी ट्रिक नहीं बता रही हूँ, इसकी ट्रिक हम कल कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह सिंधु के कार्यकाल को कितने समय के लिए विस्तार किया है, यानी कि बढ़ाया है, और वो कितने टाइम के लिए इनको एक्सटेंशन मिला है? 6 मंथ के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सुखी है हाईवेज वाले, यानी कि सुखबीर सिंह सिंधु नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी 6 महीनों के रूप जो प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? Who has recently been appointed by the central government as Solicitor General for the next 3 years के लिए? और उनका नाम है तुषार मेहता। तुषार मेहता जो है अभी 3 सालों के लिए अभी हमारे Solicitor General के रूप में रहेंगे। इसकी ट्रिक देखते हैं। तुषार जो है सॉलिड काम करता है, यानी कि तुषार मेहता Solicitor General है हमारे। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, और ये दिन मनाया जाता है 4 जुलाई को। इसकी ट्रिक देखते हैं।
चार तारीख को सारे कॉरपोरेशन के साथ काम करते हैं, यानी कि 4 जुलाई को कॉपरेटिव डे मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज वॉन PSD बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन जर्मनी रिसेंटली, और इनका नाम है सुमित नागल। सुमित नागल ने ये टेनिस टूर्नामेंट जीता है जर्मनी के अंदर। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो, और जर्मनी की जो चांसलर है उनका नाम है एंजेला मार्शल। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। सुमित पास मनी थी जो इसने चांसलर को दे दी, सुमित पास मनी थी जो चांसलर को दे दी, यानी कि सुमित नागल जिन्होंने जर्मनी के अंदर टेनिस टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को, मैं सरकारी की बात कर रही हूं, मैं प्राइवेट नहीं कर रही हूं, को बंद करने का फैसला लिया है। विच ऑफ द फ्लोविंग कंट्रीज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्लोज ऑल गवर्नमेंट जूट मिल्स इन द कंट्री ड्यू टू डेफिशिएट एंड लो प्रोडक्शन के कारण, और वो हमारी जो कंट्री है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टका, बांग्लादेश के हमारे पीएम कौन है, शेख हसीना। इसके बाद देखते हैं, बंगले में सब लोग आपस में जुड़े होते हैं, यानी बांग्लादेश के अंदर जूट मिल्स, गवर्नमेंट जूट मिल्स को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व बैंक ने गंगा कायाकल्प अभियान के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है। हाउ मेनी डॉलर अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर गंगा रेजुविनेशन कैंपेन, और वो राशि है हमारी 400 मिलियन, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन दिया है गंगा को साफ सफाई के कार्य के लिए। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, बैंक ने 4 बार गंगा के लिए काम किया, बैंक ने 4 बार गंगा के लिए काम किया, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने गंगा रेजुविनेशन कैंपेन के तहत 400 मिलियन इसको प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। विच बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए लोन ऑफ अबाउट 3700 करोड़ टू इम्प्रूव एजुकेशन इन 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और वो बैंक कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। आपको ये क्वेश्चन देख के कुछ याद नहीं आ रहा, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, हमने किया था $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने एजुकेशन सेक्टर में दिया 6 स्टेट्स को, है ना। तो अगर वो डॉलर की बात हो रही है तो यहाँ पे रुपी में बात आ गई है, रुपीज 3700 करोड़। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर Washington DC। अब वो 6 स्टेट्स कौन सी थी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, ओडिशा, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसकी ट्रिक नहीं बता रही हूँ, इसकी ट्रिक उधर वहां कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन व्लादिमीर पुतिन होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रशिया। इनको कितने टाइम तक के लिए एक्सटेंशन मिला गया है, वो मिला है टिल 2036 तक है वहां के राष्ट्रपति रह सकते हैं। रशिया, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, रशिया की करेंसी है रूबल, रशिया के जो हमारे पीएम है उनका नाम है मिखेल मशतिन कौन है, वहां के हमारे रशिया के प्रधानमंत्री हैं। आज हमने जुलाई के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। अब आने वाले हमारे अगले सेशंस के अंदर हम हमारी पूरी जुलाई के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।